आर इज गिवेन हियर ए बी सी डी ई एफ. नाउ यहाँ पे गिवेन है ए बी सी टेंस टू डी, ए बी डी टेंस टू ई, सी डी टेंस टू एफ, सी डी एफ टेंस टू बी एंड बी एफ टेंस टू डी. तो अगेन आई एम नॉट कैलकुलेटिंग हियर, दैट इज अ कैंडिडेट की यू गाइज नो कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट की जो आया है इस प्रॉब्लम में वो है ए बी सी और दूसरा आया है ए सी डी. ये दो कैंडिडेट की इस प्रॉब्लम में आया, आप कैलकुलेट करके देख लेना क्योंकि इसमें कोई भी एसेंशियल में नहीं आया होगा तभी इतना निकला है. आई मीन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको पता है कैसे करना है. तो दो कैंडिडेट की यहाँ पर आ रही है जो मैंने कैलकुलेट किया है. अब हमें यहाँ पे देखना है बी सी एन एफ. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बी सी एन एफ, चेक करते हैं. तो क्योंकि ए बी सी है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट तो बी सी एन एफ को सेटिस्फाई कर रहा है. आप देख सकते हैं कि ये सुपर की है यहाँ पर. नाउ दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं ए बी डी है. यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट की है वो है ए सी डी. सी नहीं आ रहा है, सी की जगह यहाँ बी आ रहा है. इसका मतलब है ये सुपर की नहीं है. तो ये सेकेंड कंडीशन फेल हो गई. दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नॉट इन बी सी एन एफ. अब देखो सेकेंड ही फेल हो गया था तो मैंने आगे चेक ही नहीं किया. नाउ कम टू द थर्ड एन एफ के लिए आते हैं. थर्ड एन एफ का ऑब्वियसली पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट वाला सुपर की आना चाहिए, आ रहा है, ए बी सी है. नाउ सेकेंड कंडीशन पे आए, सेकेंड कंडीशन कहता है या तो लेफ्ट वाला हमारा. अब देखो पहले मुझे लिखना पड़ेगा, अब यहाँ मुझे प्राइम की जरूरत पड़ेगी. तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या आया यहाँ पे, ए बी सी आया और डी भी आ गया क्योंकि डी यहाँ से मिल रहा है मुझे. तो ए सी डी और ए बी सी है तो ये ए. तो नॉन प्राइम क्या आ गया हमारा, ई और एफ आ गया. तो नॉन प्राइम ये आ गया. अब आप देखें यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट वाला सुपर की होना चाहिए, वो नहीं है. हम राइट के पास गए और देखा क्या तुम सुपर की हो, तो सॉरी प्राइम हो, तो यहाँ पे नॉन प्राइम है. ई जो है एक नॉन प्राइम है, तो यानी कि थर्ड कंडीशन भी फेल हो गई. ना इसका लेफ्ट सेटिस्फाई कर रहा है ना राइट सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट इन थ्री एन एफ. अब ये थ्री एन एफ में भी नहीं है. अब हम जाते हैं टू एन एफ. टू एन एफ कहता है भैया पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढो पूरी जगह. मैंने पहला ढूंढा तो वो तो सुपर की है, तो ये पार्शियल वाली कंडीशन ही नहीं क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कैंडिडेट की है. अब हम अगेन लेफ्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ए बी डी. ए बी डी, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी सी है या ए सी डी है. इट इज नॉट द कैंडिडेट की, यहाँ पे कह सकते सी की वजह, बी की वजह से यहाँ पे ये कैंडिडेट की नहीं. तो कह सकते हो कि ए और डी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है बट बी प्राइम नहीं है. लेकिन ये पूरा का पूरा, क्योंकि इट इज नॉट, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कंबाइंड है ना ये. तो ए बी डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बी सी और यू कैन से ए सी डी. ये दोनों में से किसी का भी सबसेट नहीं है. हाँ ये बात अलग है कि डी और ए जो है वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है, आई मीन की के पार्ट है, बट बी नहीं है. बट ये प्राइम जो है, ये नॉन प्राइम जो है, ये प्राइम के साथ बैठा है. तो अभी हम इसको नहीं कहेंगे कि ये हमारा जो है पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है. नहीं, अभी ये अकेला तीनों मिलके एक की का काम कर रहे हैं. तो इसमें पीडी की प्रॉब्लम नहीं है. हम ये कहेंगे दिस इज नॉट इज द पीडी प्रॉब्लम. तो इसमें भी पीडी नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ. सेकेंड वाला भी हमारा टू एन एफ में है, हम ये मान के चलते हैं. आई विल रफ दैट. नहीं, बहुत हौच पौच हो रहा है तो ये मैं रफ कर दे रही हूँ. ये था हमारा ए बी सी और ये है ए बी डी. और जो इसकी दूसरी कैंडिडेट की आई है वो है ए सी डी. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी और ए सी डी. आई मीन ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं. प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए बी अगर होता तो हम ले लेते कि ए बी सी का सबसेट है, आई मीन प्रॉपर सबसेट है. या ए सी होता या ए डी होता, इस तरह का कुछ होता तो हम कहते. लेकिन यहाँ पर एक अलग सा भी आ गया ना, ए डी के अलावा बी भी बैठा है. तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पार्शियल है. तो इसका मतलब ये टू एन एफ को फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि ये नॉन प्राइम है. और एक नॉन प्राइम जो है अगर पार्ट ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है तब हम बोलते हैं पीडी है. बट यहाँ पर ये नहीं है. अब हम अगेन देखें कि हमारे पास जो प्राइम एट्रीब्यूट है ए बी सी डी है. तो यहाँ पे भी देखो ये प्राइम एट्रीब्यूट है बट ये यहाँ पे देखो पार्ट आ रहा है. कैसे पार्ट आ रहा है, अब आप देखो प्राइम एट्रीब्यूट जो है हमारे पास वो ए बी सी डी है. अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख गया सी और डी तो प्राइम है, आपने कहा प्राइम है. बट क्या सी डी जो है वो एक कैंडिडेट की है,
नहीं है. आप देख सकते हो कि सी डी इज अ सबसेट ऑफ ए सी डी, आई मीन इट इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेकेंड कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है. तो इसका मतलब है इसने पी डी की प्रॉब्लम कंटेन कर ली. थर्ड एंड सॉरी थर्ड वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें पी डी की प्रॉब्लम आ गई. जब इसमें पी डी की प्रॉब्लम आ गई तो हम कहेंगे भैया गिवन प्रॉब्लम जो है वो टू एन एफ में भी नहीं है. एक भी पकड़ लिया हमने यहाँ पे चोर को, ये चोरी है यहाँ पे, जहाँ पे पी डी आ गया ये हमारे लिए गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया तो इसका मतलब भैया ये टू एन एफ में भी नहीं है. आगे हम चेक ही नहीं करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ को. इवन आप चेक कर सकते हैं इसमें पीडी की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सी डी और एफ है. एफ के कारण ये पार्शियल डिपेंडेंसी में नहीं आएगा. कारण क्या है, इसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो है प्राइम के साथ जुड़ गया है. तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी की, आई मीन ये तीनों मिलके किसी का सबसेट नहीं है, इसलिए ये सही है. नाउ बी एफ अगर हम यहाँ पे कहें बी तो प्राइम है बट एफ प्राइम नहीं है तो इसमें भी पी डी की प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी सही है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, थर्ड वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी में. तो ड्यू टू दिस जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, केवल इसके कारण हम इसे बोलेंगे कि टू एन एफ में नहीं है. तो फाइनली जो गिवन प्रॉब्लम है वो किस में होगा, हमारा वन एन एफ में होगा. चलो एक और इसी टाइप का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो. वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पहले भी डिस्कस किया है ये वाला प्रॉब्लम. नाउ जेड टेंस टू वाई, वाई टेंस टू जेड, एक्स टेंस टू वाई एंड वी है, वी डब्ल्यू टेंस टू एक्स ये है यहाँ पर. और यहाँ पे जो कैंडिडेट की आ रही है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो वी और डब्ल्यू आ रही है, दूसरा जो आ रहा है एक्स एंड डब्ल्यू आ रहा है. ये दो कैंडिडेट की आ रहा है. तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बी सी एन एफ से, स्टार्ट करेंगे बी सी एन एफ से. हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये सुपर की आना चाहिए, तो सुपर की तो नहीं है. यहाँ पे जेड आ रहा है और प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे प्राइम आ रहा है वी एक्स एंड डब्ल्यू. रिमेनिंग जो होगे वो नॉन प्राइम होगा. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में वी डब्ल्यू एक्स आ गया तो दैट इज अ वाई एंड जेड जो हो गया वो नॉन प्राइम हो गया. तो आप देख रहे हैं कि एक नॉन प्राइम जो है दूसरे नॉन प्राइम को कर रहा है. तो भाई पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नॉट इन बी सी एन एफ, ये बी सी एन एफ में नहीं है. नाउ कम टू द थर्ड एन एफ. थर्ड एन एफ कहता है कि या तो लेफ्ट वाला सुपर की हो या राइट वाला जो हो प्राइम हो, बट यहाँ तो लेफ्ट ही नॉन प्राइम है. तो हम कहेंगे ये थ्री एन एफ में भी नहीं है, नॉट इन थ्री एन एफ. पहली लाइन से पता चल जा रहा तो मैं आगे देख ही नहीं रही हूँ. नाउ अब टू एन एफ की बात करते हैं. टू एन एफ कहता है कि भैया पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढो, कहीं पड़ी तो नहीं. अब यहाँ पे देखिए जेड क्या है, वो एक नॉन प्राइम है. नॉन प्राइम अगर एक नॉन प्राइम को कर रहा है टू एन एफ में है, हमें कोई इशू नहीं है. अगेन वाई जो है और जेड को डेराइव कर रहा है, ये भी नॉन प्राइम से नॉन प्राइम पे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आया एक्स. हमारा जो यहाँ पर देखिए जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं वी डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू. तो आप देखिए थर्ड वाली लाइन पे आए तो एक्स इज अ वॉट, एक्स जो है इसका सबसेट है, एक्स डब्ल्यू का सबसेट है. दैट मीन्स ये कैंडिडेट की का पार्ट है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये पी डी की प्रॉब्लम आ गई. इस वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर हम देखें तो एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स डब्ल्यू. दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी. जब पार्शियल डिपेंडेंसी हमें मिल गई तो हम चौथे को पास भी नहीं जाएंगे. चौथा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम चौथे के पास जाएंगे ही नहीं, और हम यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे भाई तुम भी टू एन एफ में नहीं हो. एक भी प्रॉब्लम आ गई जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो हम पूरे प्रॉब्लम को ही बोल देते हैं तुम टू एन एफ में नहीं हो, तुम थ्री एन एफ में नहीं हो. तो फाइनली क्वेश्चन किस में आ गया, वन एन एफ में आ गया.